ओमिक्रॉन के बारे में यही दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल लागू होती हैं। कुछ स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि एरोसोल की टेंडेंसी शायद ज़्यादा हो, लेकिन कुछ स्टडी अभी ऐसे इवॉल्विंग साइंस में एक ही डॉगमेटिक कहना है एक बारी कुछ टाइम लग जाता है। जब आती है स्टेज हम शेयर करते हैं आपके साथ, तो इस चीज़ को समझ रहे हैं, लेकिन जो इस एस्पेक्ट के को मद्देनज़र रखते हुए हमारे गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं है। तो हाँ, हैंड हाइजीन अभी भी ज़रूरी है, उतना सोच रहे थे उस टाइम पे, ओवरडू करते थे, कॉशन भी करते थे, उसको सिंप्लीफाई कह रहे हैं कि अपने हैंड हाइजीन रखिए, सैनिटाइजर से रखिए, हाथ धो के रखिए, प्रोटेक्ट करिए। दूसरी बात यह है कि वेंटिलेटेड जगह में ही होना चाहिए समूह, ये भी पक्की बात है, खुला हो बेटर है, बाहर जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा सेफ है। दूरी बनाना अभी भी वैलिड है, भीड़ में नहीं जाना अभी भी हमारे लिए कार्यक्रम। तो उन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि वो एम्फेसाइज री एम्फेसाइज होती हैं। आज तक हम यही जानते हैं, जैसे और चीज़ें पता लगेंगी, यू विल नो इट एंड वी विल ऑल्सो बी हैप्पी टू ब्रिंग इट इन अ प्रोसेस्ड फॉर्म। थैंक यू।